नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Fold 3 versus OnePlus 9 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 6.23 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 5.04 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy Z Fold 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Z Fold 3 में 0.25 इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy Z Fold 3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Z Fold 3 में 271 ग्राम्स जबकि OnePlus 9 Pro में 197 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में डायनामिक AMOLED जबकि OnePlus 9 Pro में फ्लूइड AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy Z Fold 3 में 22:5:18 जबकि OnePlus 9 Pro में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy Z Fold 3 में 7.6 इंचेस जबकि OnePlus 9 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy Z Fold 3 में 1768x2208 और OnePlus 9 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Z Fold 3 में 89.7% जबकि OnePlus 9 Pro में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy Z Fold 3 में 372 पिक्सेल प्रति इंच जबकि OnePlus 9 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और OnePlus 9 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और OnePlus 9 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Z Fold 3 में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और OnePlus 9 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 5 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 660 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy Z Fold 3 में 12 GB जबकि OnePlus 9 Pro में 8 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy Z Fold 3 में 256 GB जबकि OnePlus 9 Pro में 128 GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy Z Fold 3 में 4400 mAh जबकि OnePlus 9 Pro में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy Z Fold 3 की 149,999 रुपीस जबकि OnePlus 9 Pro की 64,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 9 Pro आगे है, मेन कैमरा में OnePlus 9 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है, इंटरनल मेमोरी में Galaxy Z Fold 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 Pro Max है जो कि 1,24,700 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy S21 Ultra है जो कि 93,150 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy Z Flip 3 है जो कि 84,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord 2 है जो कि 34,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।